हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा दसवीं का प्रश्नावली दो का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, आइए, इस क्वेश्चन में हमको ये बोला जाता है कि जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों का हल है। तो इसमें अ दिया गया है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 1, और ब दिया गया है x इक्वल टू 1 बाई 2 और y इक्वल टू 1 बाई 3। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, x और y का मान निकालना है और चेक करना है कि या तो x इक्वल टू 3 आएगा या y इक्वल टू माइनस 1, और वैसे ही x इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा या y इक्वल टू 1 बाई 3। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा स्टूडेंट, और उसमें से हमको चेक करना है कि कौन आ रहा है, ठीक है। और चेक करने के बाद हम बताएंगे कि ये जैसे ये वैल्यू आया तो हम बोलेंगे यह जो है इसका हल है, इस तरीके से हम इसको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको यह करना पड़ेगा समीकरण एक, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया जा सकता है। विलोपन विधि कैसे, कि यदि हम x को हटा दें, x को हटा दें या y को हटा दें और उसके बाद किसी एक का मान निकाल लें तो आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए इस मेथड का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास इस मेथड का उपयोग करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा ध्यान दें। तो हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 5x इंटू वाई है, ऐसे ही 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy है। तो इसके लिए हम थोड़ा इस समीकरण को चेंज करते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे इसको कि x प्लस y अपॉन में एक्स वाई। क्यों, क्योंकि इस अपॉन इस जो एक्स वाई है उसको हम अपॉन में ला सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करने वाले हैं। तो x के अपॉन में एक्स वाई प्लस y के अपॉन में भी एक्स वाई लिखेंगे, और राइट साइड में क्या है 5 है, तो राइट साइड में 5 है तो हमारा ये 5 आ जाएगा। अब उसके बाद इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं, x x से कट जाएगा तो 1 अपॉन y, और y y कट जाएगा तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x, ये जो है समीकरण एक को डिनोट करेगा, है ना। और ऐसे ही हम बात करें तो समीकरण दो की बात करते हैं, तो समीकरण दो को भी सेम ऐसी बनाया जा सकता है, कैसे कि 3x प्लस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 30 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में ये जो x इंटू y जो है डिवाइड, यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको डिवाइड में लाया जा सकता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो 3x है अपॉन में, यदि अपॉन में x साथ में x y लिखा हुआ है तो उसको हम अलग अलग अपॉन में ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा x y अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y अपॉन x y हो जाएगा, और राइट साइड में हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये x x कट जाएगा, यहाँ से y y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो इक्वेशन होगा क्या, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 13। अब ध्यान दें तो हमारा जो समीकरण दो होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लिखने के बाद हमको क्या करना है, विलोपन विधि का उपयोग करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो मैं अब इस मेन चीज को, इसको हटाकर हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन इक्वेशन मिला उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन मिला, जो समीकरण एक मिला, उसको हम लिख लेते हैं। जो समीकरण एक मिला है वह है 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, और समीकरण दो जो है वो है 3 बाई वाई प्लस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 13। तो इसमें हम विलोपन विधि का उपयोग करने वाले हैं, और इस विलोपन विधि में हम क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स है, तो इसमें से 1 अपॉन वाई को यदि हमको हटाना है, विलोपित करना है, तो हम समीकरण एक में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
और दोनों को माइनस कर देंगे, समीकरण दो और को माइनस कर देंगे। तो हम ऐसे करने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण एक में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तीन का, और माइनस समीकरण दो कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 3y और 3yx, ये कोष्टक हो जाएगा। फिर माइनस, इसमें केवल माइनस करना है, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे आएगा 3y और 2yx इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे किस में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट समीकरण एक में, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 के साथ भी 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, और इसके साथ माइनस करना है, मतलब हमारा 13 आ जाएगा। अब क्या करिए, कोष्टक को हल कर दीजिए। तो कोष्टक हल करेंगे तो 3y प्लस 3yx माइनस 3y माइनस 2yx इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 1x इसमें भी है, 1x इसमें भी है, तो हम 1x को बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा माइनस 2, तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगा, और राइट साइड में आपका है 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/x, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए मैंने 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, इसलिए हमने 1/x को सेम लिखा है, और इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको इसके जगह में लिखेंगे और x को इसके जगह में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा हुआ है और x का मान हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को या फिर 1/x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, 1/x की जगह में हम रख सकते हैं 2 और समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो हम रखने वाले हैं समीकरण 1 में x 1/x का मान। तो क्या मिलेगा, देखते हैं, रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/y प्लस यहाँ पे 1/x का वैल्यू क्या है, तो 2 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में 5 है तो 5 रखेंगे, और इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब ये जो 3 है इधर आ जाएगा और y के जगह में 3, आपका 3 हो जाएगा और 3 के जगह में y हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको y भी मिल जाएगा, है ना। तो x और y का दोनों मान मिल गया। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि x का मान यहाँ आया हुआ है 1/2 और y का मान आया हुआ है 1/3, ये देख लीजिए, जो कि समीकरण समीकरण का जो हल है वो क्या है, b जो है जिसमें x इक्वल्स टू 1/2 और y इक्वल्स टू 1/3 है, जबकि अ जो है उसमें कुछ अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अ जो है वो समीकरण का हल नहीं है, और लेकिन ब जो है वो हमारे समीकरण का, दिए गए समीकरण का हल है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।